नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में हो रहे बदलाव के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इससे कितना आम लोगों को लाभ होगा। अक्सर आम लोगों की यह समस्या रहती है कि उपभोक्ता गैस का नंबर लगाते हैं लेकिन उसे समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता है, लेकिन हमेशा एक डीलर से परेशानी होती है। यानी कि हमें जब नंबर हम लगवाते हैं तो हमें एक डीलर से ही गैस का कनेक्शन मिलता है, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ तीन डीलर से गैस बुकिंग करा सकते हैं। यानी कि किसी भी नज़दीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकते हैं। एक डीलर के साथ अगर आपका किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो ऐसे में यह जो नया नियम है यह ग्राहकों के लिए काफ़ी राहत देने वाला है। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो सरकार रसोई गैस कनेक्शन को लेकर कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने की योजना की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, बिना इसके रसोई गैस सिलेंडर लेना मुश्किल होता है। सरकार अगले 2 सालों में 1 करोड़ से अधिक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन लेने तथा लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना भी तैयार कर रही है। यह योजना देश के 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की जा रही है। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि केवल 4 वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ पहुँच गई है। इस महीने की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गई। सचिव ने कहा कि हमारी योजना 2 वर्षों में अतिरिक्त 1 करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पाने की है। इस योजना में उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2021-2022 के बजट में इसके लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि समान ईंधन सब्सिडी आवंटन के तहत 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। भारतीय तेल कंपनियों ने आज यानी कि मार्च के महीने में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपये तक का इजाफा किया गया है। बिहार में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा किया गया है। वहीं अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 25 रुपये अगर महंगा हुआ है तो इसका जो नया रेट है वो 819 रुपये है, जबकि पहले यह 794 रुपये था। आपको बता दें कि 2021 में ही रसोई गैस सिलेंडरों में 125 रुपये महंगा हो गया है। फरवरी में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम 3 बार बढ़े हैं। सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया, इसके बाद 15 फरवरी को 50 रुपए का और 25 फरवरी को 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इधर अब 1 मार्च को एक बार फिर से इसके दामों में वृद्धि हुई है। ऐसे में अब गैस उपभोक्ताओं की इच्छा इस बात की है कि गैस सिलेंडर के दामों में हो रही वृद्धि को कम किया जाए, जिससे कि उनके घर का बजट एक बार फिर से पटरी पर आ सके। हालांकि गैस सिलेंडरों में उन लोगों को राहत दिया गया है जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद गैस का नंबर लगाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। ऐसे में अब ग्राहकों को इससे राहत मिलेगी और किसी अनजान जगह पर आसानी से वो गैस खरीद सकते हैं। सरकार की तरफ से नए नियम में 1 से अधिक वेंडरों के गैस खरीदने की आज़ादी दी गई है। यह उपभोक्ताओं के लिए राहत है, लेकिन बिहार में गैस की कीमत में मार्च तक में 125 रुपये की वृद्धि हुई है। यह एक सोचने वाला विषय है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।